हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पा चाट। इसके लिए सबसे पहले मैंने गोलगप्पे की जो ड्राई वाली मिलती है मार्केट में पूरी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पड़े थे इसलिए मैंने इनका यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बता दूँगी। अब इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है, उसको गर्म होने दिया है। अब एक डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से फ्राई करना है और ये कैसे फूल कर आते हैं। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से खिल रही है ना हमारी पूरी। इसी तरह से हमें सारी पूरियों को फ्राई करना है, ऐसे ही खिली खिली पूरियां होंगी हमारी। चारों तरफ से हमें टर्न कर करके हर तरफ से इसे अच्छे से कुक करना है, ताकि कोई भी साइड अनकुक ना हो जाए, कच्चा ना रहे। ये पूरी हमारे अच्छे से खिल गई है और चारों तरफ से कुक भी हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी पूरियों को भी फ्राई कर लूँगी। एक बार में 2-4 रख के फ्राई कर सकते हैं, जितनी कढ़ाई में स्पेस हो, अकॉर्डिंग टू ऑयल भी, कि कितना तेल है उसमें, किस तरह से फ्राई हो पाएगी उस तरह से आप रख कर इसे फ्राई कीजिए। बस हमें ध्यान रखना है कि ये सारे साइड से फ्राई हो, ऐसा नहीं कि एक साइड से फ्राई हो रहा है दूसरे साइड हमारा कच्चा ही है तो फिर हम इसे खा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है हर साइड से। फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको एक एक करके निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए, मैंने अपनी सारी पानी पूरी को फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ बॉयल्ड आलू। बॉयल्ड आलू के अलावा मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची, काला नमक, नॉर्मल नमक, धनिया और प्याज। इसके अलावा मैं ले रही हूँ हरी चटनी, इमली की चटनी, काली मिर्च और जीरा पाउडर, चाट मसाला, और मैं ले रही हूँ दही, और मैं लूँगी भुजिया। जो भी भुजिया हो आपके पास, मिक्सचर वाला हो या आलू भुजिया हो, जो भी हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आलू में डालूँगी थोड़े से प्याज, हरी मिर्ची, नमक डालूँगी, थोड़े से धनिया पत्ता डालूँगी, थोड़ी हरी चटनी डालूंगी, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें काली मिर्च और जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने मिक्स कर लिया है, मैं इन सारी पूरियों को फोड़ लेती हूँ। एक साइड से हमें फोड़ लेना है, इस तरह से आप देखो, हमें आराम से फोड़ना है ताकि हमारी पूरी पूरी ही ना टूट जाए। एक साइड से हमें इसे तोड़ना है और इस तरह से तोड़ तोड़ कर रख लेना है। इस तरह से मैं सारी पूरियों को तोड़ लूँगी। मैंने सारी पूरियों को तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका जो टूटा हुआ पार्ट था वो इसमें ही रहने दिया, आप चाहे तो उसे निकाल भी सकते हैं। अब मैं इस सब में आलू रखूँगी। जो भी आलू का मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो मिक्सचर में इन सब में थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके रख दूँगी। आलू का मिक्सचर मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही को मैंने थोड़ा सा ऐसे मिला लिया था ताकि वो गाढ़ी ना रहे। अब मैं इन सब में दही फटाफट से दही डालती जाऊँगी। इस तरह से हमें दही डालते जाना है सब में। दही डाल दिए हैं मैंने, अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें धीरे धीरे ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ हरी चटनी।
हरी चटनी मैं सब में डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा हरी चटनी हमें नहीं डालनी है क्योंकि ये तीखी होती है। हरी चटनी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी खट्टी मीठी इमली की चटनी। खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने चाट मसाला वगैरह लिया था। प्याज डाल देती हूँ पहले मैं इसमें, सब में प्याज डाल दूंगी मैं। स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर हमारे प्लेट में भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब मैं इस पे नमकीन डाल रही हूँ, भुजिया। मेरे पास मिक्सचर है, मैं मिक्सचर डाल रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। आलू भुजिया बेस्ट है इसके लिए। भुजिया डाल दिया मैंने। अब मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ काला नमक। काला नमक के बाद मैं इस पे स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। चाट मसाले के बाद मैं इस पे स्प्रिंकल करूँगी काली मिर्च और जीरा पाउडर। हमें हल्का हल्का इसके स्प्रिंकल करना है, बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करना है हमें। अब मैं इस पे डाल रही हूँ धनिया, कटी हुई धनिया जो मैंने रखा था, वो धनिया का पत्ता इस पे ऐड कर रही हूँ मैं। और ये देखिए हमारी गोलगप्पा चाट बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी बनी।